नमस्कार, आप देख रहे दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। जनसंख्या नीति पर जितनी मुंह उतनी बातें, जाने किस पार्टी ने क्या कहा। एक तरफ जहां बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस चुनावी हाथकंडा बता रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे चुनाव से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की और कहा कि बढ़ती जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता एवं अन्य समस्याओं की जड़ है तथा समाज की उन्नति के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। इस मौके पर हाँ, किसी सीएम योगी ने कहा बढ़ती जनसंख्या विकास के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है और इससे गरीबी भी बढ़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज की विभिन्नता तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस ऐलान के साथ ही बयानों की बाढ़ शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा बता रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे चुनाव से जोड़ा है। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को चुनावी प्रचार का हथकंडा बताया एसपी सांसद। संभल में समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद शफीक रहमान वर्क ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनावी प्रचार करते हुए तंज दिया है कि इसके लिए शादियों पर प्रतिबंध लगाना बेहतर होगा ताकि बच्चा जन्म ही न हो सके। वर्ग ने कहा यह एक चुनावी प्रचार है। वे भारतीय जनता पार्टी सब कुछ राजनीति कोण से देखते हैं। वे चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से लोगों के हित में कोई निर्णय नहीं लेता है। चूंकि उप्र का विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसलिए वे इसके बारे में अधिक चिंतित है, लेकिन हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। कानून बनाने से पहले सरकार बताए कि उसके मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, इसके साथ विधायक लागू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को सांप्रदायिक रंग देने वाले देश के दुश्मन है नकवी। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इन प्रयासों को लेकर राजनीति करने वाले सांप्रदायिक रंग देने वाले राज्य एवं देश के दुश्मन। नकवी ने कहा है कि जनसंख्या को काबू करना समय की आवश्यकता है और यह खुशी की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण का अभियान उत्तर प्रदेश से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। बीजेपी नेता नकवी ने कहा है कि जो लोग जनसंख्या नियंत्रण के अभियान को एक खास धर्म से जोड़ रहे हैं, वे अपनी खराब मानसिकता एवं सांप्रदायिक सोच को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। दो हिस्सों में बटी जेडीयू की राय, सीएम और डिप्टी सीएम के अलग अलग बयान। इस मामले पर जेडीयू दो हिस्से में बटी नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार का कहना है कि देश में जनसंख्या के नियंत्रण कानून पर चल रही चर्चा को लेकर कहा है कि कानून से जनसंख्या कंट्रोल को नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यदि देश की महिलाओं को शिक्षित किया जाए तो अपने आप देश ही जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री बीजेपी नेता रेणु देवी नीतीश कुमार के इस विचार से सहमत नहीं है। केवल महिलाओं को शिक्षित होने से ही नहीं जनसंख्या नियंत्रण संभव है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। अपने बयान में रेणु देवी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की जागरूकता जरूरी है। देशभक्त मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध नहीं करेगा अखाड़ा परिषद। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि देशभक्त मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध नहीं करेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मंत्री नरेंद्र गिरी ने कहा है कि देश में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून का यह कहते हैं कि यह विरोध कर रहे हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है। वे हर मामले में अल्लाह को बीच में क्यों घसीटते हैं। देशभक्त और सच्चा मुसलमान इस कानून का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि बच्चे कम होंगे तो उन्हें अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दे पाएंगे। गिरी ने कहा, मेरे सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से निवेदन है कि वे इस कानून को सहृदय स्वीकार करें और लोगों को जागरूक करें। यह कानून इतना सख्त होना चाहिए कि यदि दो से अधिक बच्चे हो तो उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसका आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। एक बच्चे की नीति और बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा दो बच्चों की पॉलिसी पर दो हो विचार। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उत्तर प्रदेश विधि आयोग को सुझाव भेजा गया है। अपने सुझाव में विश्व हिंदू परिषद ने राज्य की विधि आयोग की प्रस्ताविकता एक बच्चे को नीति को हटाने की है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि राज्य में दो बच्चों की नीति का लागू करना चाहिए। इसके लिए बीएचपी ने यह तर्क दिया है कि एक बच्चे को नीति उत्तर प्रदेश अलग अलग समुदायों के लिए बीच जनसंख्या असंतुलन पैदावार कर सकती है, क्योंकि परिवार नियोजन और गर्भ निरोध के उपाय को लेकर सबकी सोच अलग अलग है। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।